हे गाइस वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। तो गाइस देख सकते हैं शाम के बज रहे 8:30 और मैं हो गया हूँ तैयार। पहले तितली को देखिए। हाँ बेटा मेरा, चुभी दे दो पापा को। तो गाइस अभी क्या है कि आज मेरे बचपन घूमने नहीं जा रहा हूँ, मेरे बचपन के दोस्त मतलब मैंने सिर्फ एक ब्लैक पार्टी वेयर शर्ट पहना और ये करे के स्टाइल मार के जा रहा हूँ। एक्चुअली आज मेरे बचपन के मित्र की आज मतलब वो बलि चढ़ने वाला है, शादी नहीं है, आज है उसका तिलक। तो मैं जा रहा हूँ तिलक में और बहुत दिनों बाद बहुत सारे दोस्त भी हम लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि अमूमन मेरा इस तरह का भी शेड्यूल हो चुका है कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता सीरियसली कि मैं जाऊँ। शाम में एक समय मिलता है, सभी दोपहर में तो इधर उधर ही बिजी रहते हैं अपना अपना सबका शॉप वगैरह या काम में, कुछ लोग तो बाहर रहते हैं जैसे अधिकतर सारे डिफेंस में ही हैं तो मिलना जुलना नहीं हो पाता है। तो आज जाऊंगा और सभी से मिलूंगा, थोड़ी बहुत मस्ती होगी, लेकिन उनके सामने ना उनके सामने मैं ब्लॉग शूट कर तो भाई वो खिंचाई करने लगेंगे, कहेंगे क्या तुम साला ये शुरू कर दिए। दोस्त ऐसे ही होते हैं, बचपन के सब दोस्त हैं, जिगरी मित्र हैं, तो मजा आता है। बट दूल्हे ना जैसे जरूर मिलवाऊंगा। लड़कियों की बेस्ट फ्रेंड, लड़कियों को तो बेस्ट फ्रेंड, लड़की का बेस्ट फ्रेंड होता है। हाँ बेटा, अगर शादी दूर हो जाए तो शादी दूर हो जाए तो तुम्हारा पति तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, टेंशन नहीं लो। तो एनीवे चलते हैं अभी हम लोग, अभी बाकी सारे जो दोस्त होंगे सबसे मिलवाऊंगा। देखिए क्या करते हैं। और ये पापा कैसे बात करती बेटा, कर लो बात। हेलो पापा। तो ये फोन तोड़ दे रही थी इसीलिए इसको एक प्लास्टिक का फोन दिया गया है, क्योंकि इसके चक्कर में ना 2-3 फोन अभी तक बर्बाद हो चुका है घर का। एक तो आईफोन मेरा टच काम नहीं कर रहा, समझ सकते कितना टेंशन है, वो भी 11 प्रो मैक्स था तो काम ही नहीं कर रहा टच उसका। और माता जी कहाँ गई थी आप, आज नागपुर से सिंदूर किए कहाँ गई थी बताइए। हरदी कुटा, आज एक बगल में शादी थी तो वहाँ पर हरदी कुटा रहा था तो माँ का आंगिया था तो माँ आ गई थी, मस्त आई हुई है, प्रसाद लेके आई थी, मस्त हम भी खाए हैं। तो हम चल रहे हैं, हाँ तितली को तो सब कोई ढूंढता है ना बेटा। और जहाँ जा रहा हूँ ना मैं, दीदी बोली थी मतलब उनकी बहन की, निशा को लेके आइएगा। तो अभी पानी इतनी हो रही है ना, वो साला उसको इसी समय में शादी कर रहा था क्या। हेलो तितली, मैं क्या ही बताऊँ, पानी इतना ज्यादा हो रहा है कि कैसे अभी हम लोग जाएंगे समझ में नहीं। हेलो, बात के लिए सब तितली का। हेलो तितली, हाँ ठीक है ओके, बात कर लीजिए तितली से, बात कर लो। इसको यही है, वो सीख गई है सारा कुछ, देखो कैसे सीख गई है, बहुत कुछ सीख गई है ये। तो चलिए अब चलते हैं नीचे क्योंकि वो लोग आने वाले होंगे तो लेट हो जाएगा नहीं तो। हे गाइस, तो फाइनली पार्टी हॉल में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मिलिए राहुल भाई जो एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में अभी आ गए। ये अभिषेक भाई पहली बार ब्लॉग में आ रहे हैं। तो अभी सभी लोग और कहाँ गए जी, ये हमारे एक और परम मित्र, सब बचपन के हम लोग दोस्त हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी शायद तिलक चढ़ रहा है। तो गाइस बारिश के कारण तो हम लोग लेट ही पहुंचे थे, बट अभी हम लोग आए तो देखे कि भाई साहब हमारे एकदम बैठ चुके हैं और इनका चढ़ रहा है तिलक। काफ़ी देर से ही मतलब चढ़ रहा था तिलक वगैरह सब कुछ, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब इतना भीड़ था वहाँ पे कि मैं जा ही नहीं पाया, बट चलिए कोई नहीं, अब इंतजार करते हैं कि कब तिलक खत्म हो। बाकी आप लोग बने रहेंगे ब्लॉग में, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस फाइनली तिलक विलक सब कुछ चढ़ चुका है और हमारे मित्र भाई साहब कैसा लग रहा है आपको, सच बताइए। अब आप हमारी श्रेणी में शामिल हो चुके हैं राहुल भाई, है ये हमारी श्रेणी में शामिल हो चुके हैं। आप जब ढोलाई बोले थे ना तो हम थोड़ा सा टेंशन में, क्योंकि राहुल भाई का उसका शादी हो गया भाई, उसका शादी हो गया। तो हम लोग बहुत सारा चीज था, बट चलिए बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग सारे फ्रेंड्स बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, ये अमरेश बाबू हैं, प्यार से इनको हम लोग मुखिया जी बोलते हैं क्योंकि इनके दादा हमारे पहले पूरे पंचायत के सबसे पहले मुखिया वही थे क्या अमरेश बाबू। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं क्योंकि अभी ये झारखंड में रह रहे हैं, रांची में। हाँ क्या, हाँ रांची में रह रहे हैं अमरेश भाई, क्या कहना चाहते हैं आप। अरे अभी आप क्या कर रहे हैं अमरेश भाई, बताइए जरा, बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई क्या करते हैं आपके दोस्त, बताइए क्या करते हैं अभी आप। थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है भाई, काम कर रहा है, ऑटिज्म का भाई, ऑटिज्म का स्पेशलिस्ट है। ऑटिज्म यदि तुम्हें पता हो तो भाई एक्सप्लेन करेगा ऑटिज्म क्या होता है। बहुत सवरा मतलब शिशु बच्चा होने में, बच्चा होता है और बच्चा होने में जो डिले होता है स्पेशल चाइल्ड के लिए, तो उसके लिए भाई साहब ये बहुत अच्छे डॉक्टर है कह सकते हैं हम लोग।
बट चलिए कभी अगर आपको ऐसा जरूरत होगा तो नो डाउट आप लोग हम लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है भाई, मजा आ रहा है ना, हम लोग को तो बहुत मजा आ रहा है भाई। बहुत दिनों बाद सारे फ्रेंड्स हम लोग इकट्ठा हुए हैं, दो चार तो हमारे अभी थे तो चले गए, लेकिन हम लोग रहते तो और ज्यादा मजा, आखिरी साथ देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो गाइस यहाँ पर देखिए हमारे मित्र भाई लोग इधर भी है, आंटी जी लोग है यहाँ पे, मस्त खाना पीना खा रहे हैं। ये हमारी प्यारी से स्टूडेंट है यहाँ पे, कैसी हो, ठीक हो? तो मिल जाते हैं, अपने जब मिल जाते हैं तो बहुत मतलब एक गहरा रिलेशन है, क्या ही बताओ आप लोगों से। बट अभी हम लोग चलते हैं खाना खाने। खाने में क्या है देखिए भैया, पहले तो बिहार का स्पेशलिटी है ना, बिहार का स्पेशलिटी है, तो चलिए प्लेट उठाइए और लिट्टी अभी लपेटेंगे हम लोग। हमारे अमित भाई क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। लड़का के बहुत भाई है, लड़का के बहुत भाई है ना जी, फेन फेन हुए हैं, इनके तिलक में फेन फेन था। दीजिए हमको भी लिट्टी दीजिए। तो ये है मेरी प्यारी सी दीदी, दूल्हे राजा की बहन। कैसा लग रहा है दीदी, बहुत खुश होगी तुम? बहुत हैप्पी है भाई साहब, देख रहे हो कितने खुश है दीदी। चलिए सब कोई चलते अभी अंदर, मस्त इंजॉय करेंगे। अरे यहाँ से निकलने की, यहाँ पे देख सकते हैं सारे दोस्त लोग का मीटिंग चल रहा है, सबको बहुत मजा आ रहा, मजा है ना, मजा आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं गाइस, क्योंकि लेट काफी हो चुकी है, 11 बज चुके हैं। गुड इवनिंग, कैसे आप लोग? तो कल की पार्टी बहुत शानदार रही, हम लोग आए रात में करीब करीब 11:30 बजे के आसपास घर पहुँचे। आए तो देखे सभी सो रहे थे, ये महारानी बस ब्लॉग देख रही थी, मोबाइल चला रही थी। अच्छा वेब सीरीज हाँ सॉरी वेब सीरीज देख रही थी, पंचायत। तो ये इनका बहुत रिक्वेस्ट, एक्चुअली इसको इतना इंटरेस्ट नहीं ना मूवी में, इंटरेस्ट है बट टाइम नहीं मिलता, सिर्फ देख नहीं पाती, पूरा देख नहीं पाएंगे तो फायदा क्या थोड़ा सा। बट अभी देखिए शाम का जो है वो सैक्रिफाइस करती हूँ मैं, समझे आपके, बस आप तो बच्चा को जोड़ दीजिएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बना रही है बंगाल का स्पेशल झाल मुड़ी, है ना जी, प्याज आँख में लग रहा है, इतना तीखा ठीक है, हाँ ज्यादा भी तीखा नहीं खाना, लेकिन बनाइए थोड़ा मस्त, थोड़ा सा वो अचार वाला जो कुछ है ना उसका थोड़ा सा ये डालो ना, मजा आएगा। वो रो रो के बना रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है थोड़ा बहुत इवनिंग स्नैक्स में भुजा वगैरह या कुछ भी खाना, क्योंकि अभी है ना हम लोग एक ही टाइम खाना खा पा रहे हैं, क्योंकि इतनी बारिश डेली हो रही है कि फिर खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, बहुत लेट ही आदमी खाना भी खा रहा है। तो कल हमारे दोस्त की तिलक थी, बहुत इंजॉय किए, बहुत सारे मतलब नए दोस्त भी मिले, नए क्या मतलब पुराने दोस्त मिले, नए शादी हो गया, बच्चा हो गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट यही है कि समय उतना नहीं होता है, सभी बिजी है, दो चार तो एयरफोर्स में थे और कुछ तो चले गए, दो ही लोग हम लोग रुक गए थे। बट बहुत अच्छा लगा, अमरीश बाबू को बहुत बहुत बधाई, निशा की बहुत दिली इच्छा थी लेकिन नहीं जा पाई। अगर कई मौसम सही होता तो मैं पक्का लेके जाता, बस मौसम ऐसा था कि मैं सच बताऊँ तो मैं ही सोच रहा था कि मैं ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ वो गाँव मतलब हमारा तो थोड़ा सा मेन मार्केट में घर, वो थोड़ा गाँव था तो डर भी लग रहा था कि मतलब क्या कहाँ रोड पे पानी लगा होगा, कहाँ रोड टूटा होगा, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है 3-4 दिन से, तो लिटरली थोड़ा बहुत डर था, जिसके कारण मैं सोचा था कि स्किप कर दूंगा। बट एन वक्त पे फिर दोस्तों ने कॉल किया कि चलना है, देन डेट्स वाई हम लोग निकल गए। बट बहुत अच्छा लगा, और अभी फिर स्कूल गया, फिर बारिश हो रही थी, मैं सो गया था, थोड़ा उतना तबीयत भी सही नहीं लग रहा था। बट चलिए कोई नहीं, मिलते आपसे एक अगले फ्रेश ब्लॉग में एनर्जी के साथ पूरी, और आई होप ये वाला प्यारा सा ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उसे भी जाइए फॉलो कर लीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।